Hey guys, how are you all? तो आज मैं करने वाली हूँ लॉरियल ट्रू मैच बीबी क्रीम का रिव्यू. ये रिक्वेस्टेड वीडियो था. आई नो it's been requested by Vidya and it's been a long time. I'm really sorry Vidya, I couldn't do it on time. But मुझे जो शेड चाहिए था जो एग्जैक्ट मैच वो मुझे मिला नहीं. फिर भी मैंने जो शेड लिया है उसके साथ मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है. इसका सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा दैट हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक विद यू नो दिस लॉरियल ट्रू मैच बीबी क्रीम. बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो पैकेजिंग बिकॉज इट लुक्स नाइस एंड इट हैज़ अ नोजल काइंड ऑफ यू नो ओपनिंग सो इट्स वेरी कन्वीनियंट. फिर भी थोड़ा सा मैसी तो हो जाता है बट दिस इज़ कॉल्ड स्किन आइडलाइजिंग बीबी क्रीम जैसे हमने देखा. और SPF 35 के साथ आता है. 24 आवर्स मॉइस्चर देता है आपको. येस आई एग्री बिकॉज वैन मैंने इसको लगाया था ना मुझे बिल्कुल भी ड्राई इफेक्ट नहीं लगा. मोस्टली बीबी क्रीम्स देते हैं ड्राई इफेक्ट एंड ये बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हुआ था. इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं बिकॉज पता होना चाहिए ना यार अपने प्रोडक्ट में क्या है. तो अगर पैराबेन्स की बात करेंगे तो वो इस पर नहीं दिखा मुझे लाइक मिथाइल पैराबेन एंड ऑल दो स्टफ्स. लेकिन इसमें ऑक्साइड सल्फेट अल्कोहल ये सारे इंग्रेडिएंट्स दिखे मुझे. तो आप अगर बहुत पर्टिकुलर हो इन चीज़ों के बारे में तो आप सोच सकते हो. अब बात करते हैं शेड्स की क्योंकि शेड्स अगर पता होंगे आपको और एग्जैक्ट मैच पता होगा तो ही आपको यूज़फुल रहेगा. क्योंकि अगर शेड मैच नहीं हो रहा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो शेड्स इसमें तीन ही हैं. आई नो बहुत सारे बीबी क्रीम्स में तो शेड्स ही नहीं होते हैं तो उसके मतलब कंपैरिजन में ये बेहतर है. आई वोरी बहुत लाइट था मेरे स्किन टोन के लिए. शायद बहुत फेयर लोगों के लिए आइवोरी जाएगा. नेक्स्ट शेड जो है वो गोल्ड जो मैंने लिया है उसमें थोड़ा येलो है सो आई थॉट ऑफ टेकिंग दैट. क्योंकि बाकी जो नेक्स्ट शेड थर्ड वाला शेड है उसमें तो येलो बिल्कुल नहीं था अंडरटोन. तो ये तीन ही शेड्स अवेलेबल है इसमें. टेक्सचर अगर देखोगे तो टेक्सचर बहुत स्मूथ है. ओके लाइट वेट है एंड अगर आप देखोगे उसकी कंसिस्टेंसी तो थोड़ी सी यू नो रनी है. नॉट मच रनी, थोड़ी सी रनी है, लिक्विडी है. और ब्लेंडेबल कितना है वो तो आप देख ही सकोगे मेकअप ट्यूटोरियल में. इट ब्लेंड्स अमेजिंगली. और इसको लगाने के बाद मुझे तो बिल्कुल फील नहीं होता कि मैंने कोई बीबी क्रीम या कुछ भी लगाया है. इट्स सो लाइट. स्किन टाइप की बात करते हैं. नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए तो ये परफेक्ट होने वाला है. ऑयली टू कॉम्बिनेशन लोगों को भी ठीक है लेकिन उनको सेट करना पड़ेगा पाउडर के साथ जैसे मैंने किया था सो दैट इट गिव्स यू नो मैटिफाइड लुक. और स्टेइंग पावर की बात करेंगे तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग लगा. 4 to 5 hours आई वॉज आउट एंड इट गेव मी गुड फ्रेश लुक. थोड़ा सा ऑयल तो आता है बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन. तो मैं उसको अगर पाउडर से सेट कर दूँ तो आई लुक फ्रेश अगेन. और मेरा टेक इस प्रोडक्ट के बारे में यही है कि अगर ये शेड आपको परफेक्ट मैच करेगा तो ये बीबी क्रीम आपका फेवरेट बन सकता है. बाकी क्योंकि कोई भी कॉन्स नहीं लगे मुझे कि ब्लेंडेबल नहीं है, लॉन्ग वेयर नहीं है या कुछ भी. बाकी सारी चीज़ें अच्छी है बट एक शेड है जो आपको मैच होना चाहिए. ये है मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में. होप आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए. बाय बाय. Take care.